अच्छा है तो वहां तो अधिक गुणा अपना पारिभाषिक गुण है और ये ओ को गुण मानते हैं। कहने का अभिप्राय कि अद्वैत वेदांत में जो लौकिक भाषा में शब्द चलते हैं उनके अनुसार परिभाषा नहीं होती। अद्वैत वेदांत की पारिभाषिक स्थिति यह है कि अपने आप को ब्रह्म न जानने का नाम अज्ञान है और हम किताब को जानते हैं, फूल को जानते हैं, औरत को जानते हैं, मर्द को जानते हैं, इसका नाम ज्ञान नहीं है। हम घट पट मठ को जानते हैं, इसका नाम ज्ञान नहीं है। तब उनका तत्व ज्ञान क्या है? बोले आत्मा को ब्रह्म ईश्वर को अन्य रूप से जानते हैं, उसका नाम भी ज्ञान नहीं है। आत्मा को कर्ता या साक्षी रूप से जानते हैं, उसका नाम भी ज्ञान नहीं है। जैसा अज्ञान माना हुआ है आत्मा को ब्रह्म न जानना, उस अज्ञान को मिटाने के लिए जो आत्मा को ब्रह्म जानना है उसका नाम ज्ञान है। रिते ज्ञानान्न मुक्ति में ज्ञान शब्द का यही अर्थ है। तो अब जो जिस शास्त्र को आप पढ़ेंगे उसकी परिभाषा के अनुसार लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धे, आप किसी सच्ची चीज को पहचानना चाहते हैं दो चीज चाहिए आपके पास। एक तो जिस चीज को आप पहचानना चाहते हैं उसके लक्षण क्या हैं, कैसे वो लिखा जाता है। तो लक्षण होता है वस्तुनिष्ठ। जिस चीज को हम पहचानना चाहते हैं जो लक्ष्य है उसमें लक्षण होता है। और प्रमाण कहाँ होता है? जो पहचानना चाहता है उसमें प्रमाण होता है। प्रमात्रनिष्ठ प्रमाण होता है और प्रमेय निष्ठ लक्षण होता है। लक्ष्य में लक्षण और प्रमाता में प्रमाण। तो ये वेदांत जो ब्रह्म विद्या उत्पन्न करता है वो ब्रह्म विद्या है, अपने अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का उदय होता है। और जो सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वो कहाँ है? तब वो ब्रह्म की पहचान कराने वाला लक्षण है। तो ब्रह्म है सत्यं ज्ञानम अनंतम और तदाकार वृत्ति जो अंतःकरण में उदय होती है वो है उसके संबंध में प्रमाण। असल में वेदांत माने हृदय में रहने वाली ब्रह्म विद्या। पोथी में लिखे हुए श्लोक का नाम वेदांत नहीं है, हृदय में उदय होने वाली विद्या का नाम। इसी से मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या और परा विद्या। तो अपरा विद्या तो शब्द राशि है और परा विद्या है जया तदक्षरम अधिगम्यते, अधिगम रूप है, अधिगम रूपा ब्रह्म विद्या है। अच्छा, अब एक और अंतर आप सुन लो, वो ये है कि जैसे आप शास्त्र में स्वर्ग की बात भी सुनते हो और ब्रह्म की बात भी सुनते हो, तो क्या जैसे स्वर्ग का वर्णन है शास्त्रों में वैसे ही आत्मा के ब्रह्म होने का वर्णन है? तो दोनों में बहुत फर्क है। स्वर्ग का वर्णन आप शास्त्र में जब सुनोगे तब उस पर विश्वास करोगे और विश्वास करके शास्त्र के अनुसार जो स्वर्ग का साधन धर्म है उसका अनुष्ठान करोगे, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप धर्म का अनुष्ठान करोगे और फिर देशांतर में, कालांतर में, जन्मांतर में, रूपांतर में उस स्वर्ग का अनुभव होगा। स्वर्ग का निर्माण होगा धर्म के द्वारा, धर्म स्वर्ग को बनावेगा। लेकिन वेदांत
वेदांत किसी परोक्ष वस्तु का वर्णन करने वाला नहीं है कि अमुक देश में जो चीज है, अमुक काल में जो चीज है, अमुक रूप में जो चीज है, इतनी दूर जो चीज है वो तुमको मिलेगी, ये बात वेदांत की नहीं है। वेदांत वर्णन करता है अपना, तो उसका साक्षात अपरोक्ष होता है। माने जिस समय ब्रह्म विद्या उदय हो जाएगी अंतकरण में, वेदांत का श्रवण करते ही संशय विपर्यय से रहित यदि निश्चयात्मक वृत्ति का उदय हो गया जीवन में, तो अपरोक्ष साक्षात्कार प्रधान है वेदांत, परोक्ष विश्वास प्रधान नहीं है। इसलिए वेदांत अनुभव पर्यवसान विद्या है। माने ज्यों ही आपके हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होगी, त्यों ही आत्मा की ब्रह्म रूपता में जितने प्रतिबंधक हैं, जितने आवरण हैं, वे सब के सब भंग हो जाएंगे। इसलिए वेदांत नकद माल है, कब वेदांत उधार माल नहीं है। जहाँ स्वर्ग आदि जो हैं वो उधार माल हैं, पैसा यहाँ जमा कराओ वहाँ तुमको मिलेगा, पैसा आज जमा कराओ कल तुमको मिलेगा, पैसा हमारे पास जमा कराओ और वो तुमको देंगे, है ना। तो और सब जो व्यापार हैं वे सब यहाँ दो वहाँ लो, अब दो तब लो, हमें दो उनसे लो, है ना, यह दो वह लो। परंतु ब्रह्म विद्या जो है ये ऐसी चीज नहीं है। अनुभव पर्यवसान अभी अभी, क्योंकि ये दूसरे के बारे में वर्णन नहीं करती है, ये आपके बारे में ही वर्णन करती है। और आप क्योंकि स्वयं अभी हैं, यही हैं, यही हैं, स्वयं हैं, तो इस स्वयंता की ब्रह्मता जो है वो कभी उधार नहीं रहती है। ये साक्षात अपरोक्ष इसका तत्काल होता है। एक और देखो कि प्रमाण में और साधन में एक और फर्क होता है। साधन जहां साध्य का निर्माण करता है, वहां प्रमाण विद्यमान वस्तु को दिखाता है। आप वसीले से एक लकड़ी को काटकर उसकी कोई भी चीज बना सकते हैं। आप मिट्टी को पीटकर उसको घड़ा सकोरा जो चाहे सो बना सकते हैं। रुई से सूत बनाकर उससे चाहे कैसा भी कपड़ा बना सकते हैं। ये सब साधन साध्य होता है। और जो सिद्ध वस्तु है, स्वतः सिद्ध वस्तु है, परतः सिद्ध वस्तु नहीं है, अपना आत्मा ही है, तो उसका साक्षात्कार करने के लिए कहते हैं कि जैसे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय वस्तु का निर्माण नहीं करता, विद्यमान वस्तु को दिखाता है। जैसे अपनी आंख चीजों को बनाती नहीं देखती है, ऐसे ये जो वेदांत विद्या है ये साधन नहीं है, ये साधन नहीं है, ये सिद्ध वस्तु को देखने की एक प्रक्रिया है। कि यदि हमारा अंतःकरण, यदि हमारा अंतःकरण दूसरी वस्तुओं को छोड़ देता है, दूसरी वस्तुओं को छोड़ देता है, प्रमाण से प्रमाण वृत्ति भ्रम का निराकरण करती है। साधन अंतःकरण का निर्माण करता है और प्रमाण भ्रम को निवृत्त करता है। तो प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान नहीं, वो तो अन्य प्रमाण से ज्ञात को यदि वेदांत बतावेगा तो अनुवाद है। तो केवल अन्य प्रमाण से जो भ्रम निवृत्त नहीं होता वो भ्रम है, वो अज्ञान तो है अपने को ब्रह्म न जानना, और भ्रम है अपने को कर्ता भोक्ता
संसारी और परिच्छिन्न मानना। अब सत्य को न समझ करके, जैसे रस्सी को न समझ करके, यदि हम उसको माला या डंडा या पृथ्वी का छिद्र या सर्प समझते हैं, तो रस्सी को न जानना अज्ञान है और उसको सांप, माला, डंडा आदि समझना ये भ्रम है। इसी प्रकार अपने को ब्रह्म न जानना यह ज्ञान है और अपने को पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, जन्म जन्मांतर में जाने आने वाला संसारी, नरक स्वर्ग में जाने आने वाला संसारी और अपने को परिच्छिन्न समझना ये भ्रम है। तो प्रमाण जो है अपने हृदय में जब आता है तो समूल भ्रम का, माने अज्ञान सहित भ्रम का निवारण करता है। तो वेदांत की दृष्टि में हेतु अलग है, स्वरूप अलग है, फल अलग है, और साधन की दृष्टि में हेतु अलग है, फल अलग है, स्वरूप अलग है। ये दोनों का ठीक ठीक विवेक वेदांत विद्या के द्वारा होता है। अब ये बात रही कि यहां तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है वही जिसमें प्रमाण है। लक्ष्य कोई दूसरा नहीं है, प्रमाण की वृत्ति का जो साक्षी है, चूंकि वही ब्रह्म है, तो अज्ञात जो ये जो ब्रह्मता की भ्रांति, अब्रह्मता की भ्रांति है, इस अब्रह्मता की भ्रांति के निवारण के लिए तत्वज्ञान की आवश्यकता होती है, तब उसमें अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है। अधिकारी की आवश्यकता का अर्थ ये होता है कि आप उसको चाहते हैं कि नहीं। सवाल ये है कि आप उसको चाहते हैं कि नहीं। एक सज्जन हमारे पास आए, हमने बहुत आग्रह किया कि भोजन कर लो। अब उनकी इच्छा भोजन करने की नहीं थी, तो उनके सामने जो वस्तु परस दी गई उसमें पहले तो थोड़ा सा भगवान के नाम पर निकाल के उन्होंने अलग रख दिया। बहुत अच्छा, वो भी किसी को मिलेगा ही। फिर भोग लगाया तो थोड़ा खाया, थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा बिखेर दिया। हम एक के घर में खुद ही गए हो, अब वो माने नहीं तो रोटी खाने का हमारा मन नहीं था, तो हमने क्या किया कि रोटी के, वो जब परसने के लिए और कोई चीज लेने गया ना, तो रोटी के टुकड़े टुकड़े करके थाली में रख लिए। अब देख के उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि रोटी खाई कि नहीं, चक्कर में डाल दिया ना उसको, क्योंकि हमारा रोटी खाने का मन नहीं था। तो पहली बात तो ये है कि समग्र दुखों की निवृत्ति के लिए सच्ची इच्छा होनी चाहिए, नकली चीज से सुखी न हो और दूसरे से सुखी न हो, अपने ही सुख जाहिर करने का बिल्कुल पक्का ख्याल हो, ये चाहिए, इच्छा चाहिए। और दूसरे चाहिए अर्थी समर्था, और जिस चीज की हमको इच्छा हो रही है उसको प्राप्त करने की योग्यता भी चाहिए। यदि इच्छा न हो, योग्यता हो, तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े जज, जो बहुत बुद्धिमान हैं, यदि उनके मन में दुख निवृत्ति की और परमानंद प्राप्ति की इच्छा नहीं है, सत्य के ज्ञान की इच्छा नहीं है, तो उनकी योग्यता होते हुए भी बेकार जाएगी, क्योंकि उनके अंदर इच्छा नहीं है। और एक आदमी के मन में इच्छा तो बहुत है, परंतु वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता नहीं आई है,
तो उसको बार बार सुनावे कि तुम ब्रह्म हो तुम ब्रह्म हो, वो क्या ग्रहण करेगा ना? तो योग्यता इसी को अधिकार माने, ये नहीं है कि कानून से मना कर दिया कि तुम इस घर में मत आओ। कानून के खिलाफ होना अनधिकार नहीं है, बल्कि अपने जीवन में आकांक्षा और योग्यता का न होना अनधिकार है। तो वेदांत में जिसको अनधिकारी बोलते हैं उसका अर्थ ये है कि अभी उसके अंतःकरण में उसकी बुद्धि में ऐसी योग्यता का विकास नहीं हुआ है कि अपने आप को ब्रह्म के रूप में ग्रहण कर सके। तो सद्गुरु का एक ये भी काम है कि अयोग्य को योग्य बनावे। यदि वो एक भी व्यक्ति को ये कह देता है कि तुम परमार्थ के पथ में चलने योग्य नहीं हो, तो उसमें चलाने की योग्यता की कमी है। बालक भी चल सकता है, वृद्ध भी चल सकता है, रोगी भी चल सकता है, यथा कथनचित पागल को भी उसके योग्य बनाया जा सकता है, परंतु उसके मन नारायण वो सद्गुरु भी योग्य होना चाहिए। तो दो बात आपको सुनाई कि एक तो होनी चाहिए इच्छा और एक होनी चाहिए योग्यता। योग्यता में ये बात सुनाई, ये बात है कि एक तो विवेक की शक्ति आ जाए, और विवेक होने पर जो दुखद है, जो अनात्मा है, जो नकली है, उसको छोड़ने का सामर्थ्य आ जाए। तो छोड़ने का सामर्थ्य ये होता है कि उससे न राग करें न द्वेष करें, और लड़ाई करेंगे तब तो मारे जाएंगे, और सट जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, सटाना और हटाना दोनों काम में लग जाएंगे। तो होना क्या चाहिए कि वैराग्य आना चाहिए। अच्छा, वैराग्य आया ये बात कब मालूम पड़ेगी कि जब मन में शांति रहने लगे, इंद्रियों का विक्षेप कम हो, है ना, ज्यादा बड़े बड़े अच्छा आयोजन में रुचि ना हो, हैं, और जो कुछ दुख सुख आवे उसको सह के निकल जाए, और अपनी सफलता में श्रद्धा हो, और मन को समाधान हो कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, तब सद्गुरु की शरण लेने पर वो इस बात को बताता है। अब ये बात रही कि सब साधनों का सार कहाँ आता है, कि एक तो आप आत्मा और ब्रह्म के सिवाय दूसरी वस्तु से राग द्वेष न करें। वैराग्य का मतलब द्वेष नहीं है, और वैराग्य का मतलब घृणा भी नहीं है, और वैराग्य का मतलब ईर्ष्या असूया भी नहीं है, वैराग्य का मतलब निंदा और द्रोह भी नहीं है। नारायण, वैराग्य का मतलब यह है कि अपने ही मन में जो उस वस्तु के प्रति लगाव, सटाव या हटाव है, का उससे बच निकले, और फिर मोक्ष की इच्छा हो। तो विवेक है दो चीजों को अलग अलग करना, वैराग्य है अलग किए हुए पदार्थ के त्याग का सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य की अभिव्यक्ति है छह रूपों में, और छह रूपों में अभिव्यक्ति होने पर भी अंतःकरण में उन छहों की पूर्णता नहीं होती। इसलिए तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षा, यदि दो गुण अपने जीवन में आ जाएं, संसार की वस्तुओं से राग द्वेष की निवृत्ति तीव्र हो जाए, राग द्वेष की निवृत्ति पूरी पूरी, राग द्वेष के अभाव का नाम वैराग्य नहीं है, ये भी वेदांतियों का पारिभाषिक शब्द है। वो राग द्वेष के अभाव को वैराग्य नहीं बोलते हैं, शिथिलता को वैराग्य बोलते हैं। कभी राग आवे तो उसको पकड़िए मत, कभी द्वेष आवे तो उसको पकड़िए मत, ढीले छोड़ दीजिए जिससे वो भाग जाए, क्योंकि राग पर राग आके अपने ही राग को हटाता रहता है, और द्वेष पर द्वेष आकर के स्वयं उसको हटाता रहता है। तो करना क्या है
कि राग द्वेष की शिथिलता का नाम वैराग्य है और तीव्र मुमुक्षा ये अपने जीवन में आवे तो मनुष्य अधिकारी होता है और इसके बाद उसको सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसमें मुख्य लक्षण बताया है भक्ति। वो भक्ति क्या है? तो देखो, हम किसी को ढूंढते हैं तो प्रेम से ढूंढते हैं कि बेप्रेम से? तो आत्मा और ब्रह्म की एकता को हम प्रेम से ढूंढे हैं। खोज जो हमारी है तो एक बात यह है कि आत्मा जो है वो हमेशा प्रिय ही होता है, कभी अप्रिय नहीं होता। ये जैसे आत्मा नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता और जैसे आत्मा कोई अन्य है ये ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे आत्मा द्वेषास्पद है ऐसी वृत्ति भी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि द्वेष भी किस प्रयोजन से करेंगे? अपने कल्याण के लिए तो करेंगे ना। इसलिए आत्मा परमानंद स्वरूप है और जो धर्मशास्त्र सहज सुजी कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ज्ञान सर्वात्मदा स्थिरचर हित से मुशी शांति आश्चर्य चारुचर्या जन नयन मनोमोहनी गुरुमृतम ब्रह्ममूर्तम प्रपति शांति शांति शांति। कुछ वर्ष पहले पिलानी में अध्ययन होता है विज्ञान का, उसके एक अध्यापक और उनके विद्यार्थी आए थे, वो थीसिस लिख गए। तो उन्होंने हमको एक निबंध सुनाया, उसमें ये था कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जो साधन शास्त्र में बताए गए वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भी उन्हीं की आवश्यकता है। विवेक माने पृथक्करण की शक्ति, अलगाव विश्लेषण, दो चीजें एक में मिली हों तो उनको जुदा जुदा करना, इनके बिना कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान होगा? अच्छा, फिर जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं उससे उरली चीज जो हो गए उसको छोड़ते चलना, उसकी ओर से ख्याल हटा लेना, इसका नाम वैराग्य है। जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं उसके अलावा जो भी दूसरी चीज हमको खोज करते समय रास्ते में मिलती है उसको एक ओर छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, इसका नाम वैराग्य है। अच्छा, मन में खूब अशांति हो, किसी से लड़ाई करके आओ और वैज्ञानिक अनुसंधान करो, हाँ?
और खूब खाते पीते जाओ, मुंह में ग्रास डालते जाओ और वैज्ञानिक अनुसंधान करो। तो सम चाहिए मन की शांति और दम चाहिए और मन का विषयों में न जाना, इंद्रियों का विषयों में न जाना। मन शांत रहे, इंद्रियां भोग के लिए विक्षिप्त न हो। अच्छा भाई, मोटर भी चलाते जा रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते जा रहे हैं, कर्म विक्षेप हुआ। तो मानसिक विक्षेप, इंद्रियक विक्षेप और कार्मिक विक्षेप, उपरति माने कार्मिक विक्षेप से पृथक होके, अलग होके, कहो भाई रसोई भी बना लें और उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते जाएं, तो ऐसा कैसे होगा? इसी को उपरति बोलते हैं। सम दम उपरति। अच्छा भाई, खोज करने में कभी लगन से काम कर रहे हैं, कोई तकलीफ आ गई तो उसको सह लिया। अब मन तो लगा है बिल्कुल अनुसंधान में, एक मच्छर काट गया और पट से उसकी ओर से मन हटाया और मच्छर पर एक चपत लगाया। वो नहीं, मच्छर काट जाए तो काट जाए, अनुसंधान तो करना पड़ेगा। तितिक्षा इसको बोलते हैं। अच्छा, हमको सफलता मिलेगी इसके बारे में हमारे गुरुजनों ने, पहले के अनुसंधानकर्ताओं ने जो मार्ग बताया है वो ठीक है, तब न पूरी तरह से ढूंढेंगे। अच्छा, और एक एक वस्तु पर मन अपना समाहित होता जाए, ये भी आवश्यक है। तो विश्लेषण करना वैराग्य है, और जिस चीज को अपन नहीं ढूंढ रहे हैं उसमें दिलचस्पी न लेना, ये वैराग्य है, और विश्लेषण करना विवेक है। और जो अपने को नहीं चाहिए उसमें रुचि न लेना, वैराग्य है। शांत मन से मन सम उर्वर और इंद्रियों को विक्षिप्त न करके, बहुत ज्यादा काम धंधे के पचड़े में न पड़ के, और जो कुछ कष्ट बीच में आवे उसको सहन करते हुए, और सफलता मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जहां तक अनुसंधान किया है वो ठीक है, और मन को समाहित रख के तब खोज के रास्ते में बढ़ना पड़ता है, चाहे वो खोज भौतिक हो, चाहे आदिदैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। खोज का ये स्वभाव ही है, अनुसंधान का ये स्वभाव ही है कि खोजी में ये गुण आने चाहिए। सच पूछो तो धन के खोजी में भी ये गुण होने चाहिए, नहीं तो धनवन जो है ऐसे ही आता है। लाभ क्या है, हानि क्या है, इसका विवेक होना चाहिए, है ना। हानिकारक व्यापार से वैराग्य होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, है ना। घाटा मुनाफा होने पर घबराना नहीं चाहिए, और खाने पीने में इतने मस्त नहीं हो जाना चाहिए कि व्यापार का ही सत्यानाश हो जाए। तो किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो जो साधन आपके जीवन में चाहिए, जो एकाग्रता चाहिए, वो तत्व ज्ञान में अगर मन विक्षिप्त होगा, अशांत होगा, तो भोग का सुख भी आपको नहीं मिलेगा, न भोजन का सुख मिलेगा, न संभोग का सुख मिलेगा, मन ही नहीं रहेगा वहां।
तो इसका अर्थ ये है कि ये अनुसंधान में एक खोजी के भीतर, खोज में एक खोजी के अंदर जो गुण चाहिए उन्हीं का नाम साधन चतुष्टय के रूप में कहा हुआ है। अच्छा जी, अब समाधान फिर तो बोले मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ ये है कि कहीं बंधन है उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। मोक्ष माने छुटकारा, छुटकारा पाने की इच्छा का नाम मुमुक्षा है, मोक्तुम इच्छा। कहां से छुटकारा? तो दृश्य के बंधन से दृष्टा का छुटकारा, जो दिख रहा है अपने से निराला है, न्यारा है। कार्य के बंधन से कारण का छुटकारा, अज्ञान के बंधन से ज्ञान का छुटकारा। बंधन से सब का छुटकारा। हमने एक चीज को दूसरी की चीज के साथ मिलाकर एक खिचड़ी बना दी है, एक साधु के रामघाट में तो जितना विचार होता विचार करते, ध्यान होता ध्यान करते, बड़े विरक्त थे। उनका स्वामी अद्वैतानंद नाम था, पर जब समय बचता तो अपने पास उन्होंने तिल और चावल, काला तिल और चावल दोनों एक में मिला के रखा था, आप समझो शेर दो शेर मिला के रखा, बस थाली में लेके बैठ जाते और तिल और चावल है ना, अलग 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 अलग। आप कहोगे ये कौन सी साधना है? का साधना ये है कि दुनिया के बारे में कुछ सोचने का नहीं है, इतनी बात तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है ना कि उसको दुनिया के बारे में कुछ सोचने का नहीं है। विवेक का अभ्यास जारी रखे, इसी का नाम विवेक है। काले तिल को सफेद चावल को अलग अलग एक 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 दाना मिल गए, इसी का इस बीनने का नाम ही तो विवेक है ना। दो चीज एक में मिली हुई है, अलग अलग करते। तो मुमुक्षा क्या है? ये जो हमारे विचारों की खिचड़ी बन गई है, बुद्धि की खिचड़ी, अध्यास माने ना समझी, ये काफी नहीं है। अच्छा, तब अध्यास माने वो क्रम जिसमें हम अपने मैं को ही दूसरे के साथ मिला देते हैं या दूसरी चीज को ही अपने साथ मिला लेते हैं, तो बुद्धि की गांठ का नाम, बुद्धि की ग्रंथि का नाम अध्यास है। हमारी बुद्धि में एक गांठ पड़ गई है, अपरिच्छिन्न आत्मा की परिच्छिन्न के साथ गांठ पड़ गई है, चेतन आत्मा की जड़ के साथ गांठ पड़ गई है, सत्य आत्मा की, नित्य आत्मा की, अपरिवर्तनशील आत्मा की, अनित्य के साथ, असत के साथ, परिवर्तनशील के साथ गांठ पड़ गई है। वो गांठ कहाँ पड़ी है? आत्मा अनात्मा में करना, कार्य कारण में करना, उनमें नहीं पड़ी है। कहाँ पड़ी है? अपनी समझ में पड़ी है। गांठ चीज में नहीं है, अपनी समझ में है। तो ये वेदांत का उपदेश चीज की गांठ तो छोड़ ही नहीं सकता। आप एक रस्सी में गांठ लगा दो और एक वेदांती के सामने ला के रख दो, हे वेदांती जी आप तो ग्रंथि भंग करने में बड़े निपुण हैं, अपने वेदांत के द्वारा ये रस्सी की गांठ छुड़ा दीजिए, तो छूटेगी? उपदेश से रस्सी की गांठ नहीं छूटती।
उपदेश से अकल की गांठ छूटती है। तो आप ये मत समझो कि कोई आत्मा अनात्मा की गांठ पड़ी हुई है वो छोड़ना है हमको प्रयत्न करके। आत्मा और अनात्मा के बारे में आपकी अकल में एक गांठ पड़ गई है, उस बौद्धिक ग्रंथि को छुड़ाना। तो संस्कृत भाषा में उस बौद्धिक ग्रंथि का नाम भ्रम है, उस बौद्धिक ग्रंथि का नाम अध्यास है। अतस्मिस तद बुद्धि इति असकृत अबोचा। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि कह तो दिया, ऐसे बोलते हैं, कह तो दिया, बार बार कह दिया कि तुम्हारी बुद्धि में जो उलटवासी आ गई है, विपर्यास आ गया है, उसी का नाम अध्यास है। अकल की उलटवासी का नाम अध्यास है, इसीलिए वो उपदेश से छूट जाएगी। यदि सच्ची गांठ होती तो उसको तलवार मार के काटना पड़ता। तो अब आप मुमुक्षा देखो, अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान, स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। ये मैं हूं। देखो, हमने एक ऐसा ब्राह्मण देखा कि एक अंत्यज, ये अंत्यज और अग्रज का संस्कृत भाषा में कुछ बुरा अर्थ नहीं होता। अग्रज माने बड़ा भाई जो पहले पैदा हुआ, अंत्यज माने छोटा भाई जो बाद में पैदा हुआ, आखिर में पैदा हुआ सो अंत्यज, अनुज छोटा भाई। अच्छा, और अग्रज माने ब्राह्मण, बड़ा भाई। अच्छा, तो एक ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण पने का इतना अध्यास हो गया पक्का कि अंत्यज के घर में आग लगी तो वो बुझाने के लिए नहीं गया है? और अंत्यज को अपने अंत्यजपना का ऐसा अध्यास हो गया क्या कि ब्राह्मण कुएं में गिर गया तो निकालने नहीं गया। बोले, ये लोग हमको बहुत सताते हैं, कुएं में से निकालने की क्या जरूरत है, मरने दो। अब जब दोनों को समझाया गया कि तुम अंत्यज होने पर भी हिंदू हो, तुम अग्रज होने पर भी हिंदू हो, हिंदू हिंदू एक है ना, तो ब्राह्मणत्व की जो गांठ थी और अंत्यजत्व की जो गांठ थी कहां, बुद्धि में, शरीर में नहीं, वो ढीली पड़ गई। और दोनों अपने को हिंदू जब समझ गए तो एक दूसरे की भलाई करने लगे कि भाई हम भी हिंदू तुम भी हिंदू। अब इस बात को समझ लो कि एक मुसलमान है तो सोचता है कि हिंदू को मरने दो, और हिंदू सोचता है कि मुसलमान को मरने दो, तो दोनों में अपने हिंदू पने की मुसलमान पने की गांठ कहां पड़ी हुई है, उनकी अकल। जब दोनों को समझाया गया कि तुम दोनों मनुष्य हो, हाथ पांव आंख नाक कान सब बराबर, तुम दोनों मनुष्य हो, और उधर हिंदुत्व की और उधर मुस्लिमत्व की जो गांठ है बुद्धि में वो ठंडी पड़ी, तो दोनों अपने को मनुष्य रूप में अनुभव करने लगे और एक दूसरे का है ना हित करने लगे। तो असल में मैं अलग जीव तुम अलग जीव, मेरा सुख स्वार्थ अलग और तुम्हारा सुख स्वार्थ अलग, तुमको लूट के हम सुखी होंगे, हमको लूट के तुम सुखी होगे। ये जो जीवत्व की ग्रंथि बुद्धि में पड़ गई है, जीवत्व की ग्रंथि, तो इसमें कहां से होता है का मैं धन वाला हूं। हे भगवान, वो धन पहले तुम्हारा नहीं था, तुमको पहचानता नहीं था, अब भी नहीं पहचानता है, और तुम एकांगी प्रेम करते हो धन से, एकांगी प्रेम है ना धन से, मैं धन वाला हूं, मैं मकान वाला हूं,
फिर स्त्री वाला हूँ, पुत्र वाला हूँ, पति वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, मजहब वाला हूँ, जात वाला हूँ, ये सब गांठ। फिर विद्या वाला हूँ, बुद्धि वाला हूँ और समाधि वाला हूँ। ये कहे बिना बात पूरी नहीं होती है भला। अगर किसी को समाधि से बहुत प्रेम हो तो वो लगावे, है ना, लेकिन बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक व्यक्तित्व के उत्कर्ष वाली किसी भी बात को, व्यक्ति अंतःकरण में लगने वाली समाधि को अगर मेरी समाधि और मैं समाधि वाला ऐसा मानोगे, यहाँ तक कि अंतःकरण वाला मैं और अंतःकरण मेरा ऐसा मानोगे, तब तक बोध का द्वार, ज्ञान का द्वार खुलेगा नहीं। इसलिए अहम भाव में, परिच्छिन्न अहम भाव में जो मैं की एकता है, वहां से लेकर देह में और देह के संबंधियों के को लेकर जो मैं जुड़ा हुआ है, उससे मोक्ष की, उससे छुटकारे की जो इच्छा है, बिल्कुल निर्भार बिना बोझ का मैं, न मैं किसी का न मेरा कोई। तो ये जो मुमुक्षा है ईश्वर कृपा से, ये इसमें साधन का भी निर्णय हो जाना चाहिए कि चूंकि ये भ्रम या अज्ञान से ये बौद्धिक ग्रंथि है, तो ये अपने स्वरूप के सच्चे ज्ञान से ही मिटने वाली है, और जितना जितना हम उपाय करेंगे उतना उतना उपाय हमारी अहम ग्रंथि को और ठोस करेगा, हमारी बुद्धि और उलझेगी। आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई अर्धाली याद है कि नहीं, श्रुति पुराण बहु कहेउ उपायी, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। श्रुति और पुराण ने बहुत से उपाय कहे हैं, परंतु उनसे ये अकल की गांठ जो है ये खुलती नहीं है और उलझती जाती है, क्योंकि जितने कर्तव्य होते हैं वो किसी कर्ता के लिए होते हैं। तो कर्म कौन करता करे, धर्म कौन करता करे, उपासना कौन करता करे, योग कौन करता करे, उस कर्ता में जब हम अपने आत्मा को मिलावेंगे तब कर्तव्य की उपस्थिति होगी। तो छूट न अधिक अधिक अरुझाई, तो छूटोगे नहीं, उलझते जाओगे, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यो ज्यो दवा की, जितनी दवा की, ऐसा हमने सुना था, ऐसे ही है कुछ, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यो ज्यो दवा ली, ज्यो ज्यो दवा की। तो ये तो वेदांत ज्ञान जो है वो सादगी है, वो सहजता है, वो बनावट नहीं है, वो कृत्रिमता नहीं है। इसमें इच्छा भी सहज है, साधन भी सहज है, उपलब्धि भी सहज है और अपना स्वरूप भी सहज है। सीधी सादी जो सच्ची बात है उसको लिखाने के लिए ये वेदांत है। अब इसमें ये बात बताई कि पहले मुमुक्षा मनुष्य के मन में जो आती है वो मंद होती है, धीरे 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 बढ़ती है, कई मध्यम रूप से होती है। तो मंद मुमुक्षा और मध्यम मुमुक्षा की पहचान क्या है, लक्षण बोलते हैं संस्कृत में, लक्षण शब्द बोलते हैं और हम उसको हिंदी में पहचान बोलते हैं, जिससे वो चीज लिखी जाए। लक्षण, लक्षण माने लखन, लखना, लखाना, लक्षण उसको कहते हैं जिससे उस वस्तु को हम लख लें, पहचान जाए, उसका नाम लक्षण होता है। लक्ष्यते अनेन,
ये उसकी पहचान है। तो आओ पहचान पहले देखो। एक आदमी कहता है कि हे स्वामी जी महाराज, हम कौन सा कर्म करें तो हमको मोक्ष मिलेगा। तो वो ऐसा समझता है ना कि जैसे कोई दूर गांव हो तो वहां हम किस रास्ते से जाएं तो उस गांव में पहुंचेंगे। ये उसके प्रश्न का अर्थ यही है कि मोक्ष एक दूर गांव में रहता है और जब मैं पांव से चल के वहां पहुंचूंगा तब मुझे मिलेगा। अभी मोक्ष का कंगन तैयार नहीं है, उसको किस सुनार से बनवाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे पीटूं, कैसे गलाऊं सोने को, तो कंगन बनेगा। इस यदि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसी इच्छा है तब उसका नाम मंद, यज्ञ करूं, दान करूं, व्रत करूं, तपस्या करूं, तीर्थ में जाऊं, कुछ करके मोक्ष प्राप्त करूं, जब तक ये इच्छा रहती है तब तक उसको मंद मुमुक्षा बोलते हैं। अच्छा बोले मध्यम मुमुक्षा कब है? कि जब ये होए कि किस देवता की मैं पूजा करूं, उपासना करूं, ध्यान करूं, जप करूं, होम करूं, हैं? तब हमको मोक्ष मिलेगा। अपन कर्म के भरोसे पर मोक्ष को पाने की इच्छा मुमुक्षा है, मंद मुमुक्षा है, और देवता के सहारे पर प्राप्त करने की इच्छा जो है उपासना के सहारे पर, उसका नाम मध्यम मुमुक्षा है। अच्छा धर्म जो है ये बहिरंग कर्म का नाम धर्म है, और अंतरंग जो प्राणायाम प्रत्याहार आदि कर्म है उनका नाम योग है। कर्म के ही दो भेद हैं और दोनों पौरुष से ही सिद्ध होते हैं। तो जब तक अपने कर्म से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तब तक कहते हैं मुमुक्षा शिथिल है, और जब किसी दूसरे का भरोसा करके कि उनकी कृपा से मोक्ष हो जाएगा, आपने सुना होगा ना स्वामी।